आप लोगों को तो पता है कि इंडिया के अंदर कई तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं और कई तरह की कंपनी आती है, नई नई कंपनी भी आती है, पुरानी कंपनी तो खैर लॉन्च करी थी, और महिंद्रा भी सीरीज में उतरने वाली है, एक्टिवा भी आने वाली है, यमुना भी आने वाली है, यमुना का न्यू आने वाला है, आपको पता नहीं होगा तो मेरी एक वीडियो है वो जाके देख सकते हो, वरना मैंने लिंक डाल दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो इस रेस के अंदर में एक ऐसी कंपनी आने वाली है जो इंडिया में है ही नहीं, मतलब विदेशी कंपनी है जो इंडिया में आने वाली है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके और कंपीट करने वाली सभी से। तो जो कंपनी है वो है येडिया है, आप लोग अलग तरह से प्रनाउंस कर सकते हो, ये येडिया कंपनी है, इसका VF F200 ये लाने वाली है इंडिया के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर मतलब ये है, और ये इंडियन कंज्यूमर को टारगेट करने की प्लानिंग कर रही है। अब जो देखने वाली बात है आगे इन फ्यूचर कि ये कम्पीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो इस वीडियो के अंदर मैं येडिया VF F200 के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या मिल सकता है आपको, कब लॉन्च हो सकती है, प्राइस क्या हो सकती है। तो अगर आप लोग जानना है कि जो बाहर से आ रहे हैं, मतलब बाहर से आ रहे हैं इंडियन मार्केट को कैटर करने के लिए, तो इसके में कितना दम है, इसकी प्राइस कितनी होगी, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, कभी भी स्किप मत करना, कभी इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करें, मज़ा आएगा आपको भी मेरे को भी। और वीडियो सेट करने के पहले आप सभी को राम राम, कैसे आप लोग, और भैया सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसी मशीन डेली से मिलती रहेगी और मेरे को भी ऐसी मोटिवेशन आती रहेगी ऐसी मशीन डालने की, और थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा अलग से रिलेटेड देने की, क्योंकि अभी इतने लोग नहीं जुड़ पाए, 20,000 कहाँ हो पाते भैया, सिल्वर प्ले बटन दिलाओ तब ज़्यादा मज़ा आएगा ना। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वो भी बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे गवर्नमेंट काम करती है हमारी, कोई डेडिकेशन नहीं किसी भी सेक्टर को लेके, बस चंगा सी बस पॉलिटिक्स और इलेक्शन करा लो इनसे और कुर्सी बचा लो इनकी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि येडिया कंपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली, जो कि चाइना बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, और मैं आपको बता दूं येडिया कंपनी पोर्शे साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार कर रही है जो जल्दी इन्हें पेश कर सकती है, और ऑब्वियसली करेगी भी, जब बनाई रही तो भैया पेश तो करेगी ना। कंपनी ने अपने इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो नाम है वो येडिया VF F200 रखा है, जिसे सबसे पहले वो यूरोप के अंदर लॉन्च करेगी, और बताया जा रहा है कि भारत में लॉन्च करने के बाद ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओला, एथर, टीवीएस और हीरो को काफ़ी बड़ी टक्कर देने वाला है, और येडिया VF F200 काफ़ी प्रीमियम लुक वाला एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन पावर मिलेगी आपको। अगर मैं इसके पावर और रेंज की बात करूँ तो येडिया VF F200 काफ़ी पावरफुल होने वाला है, मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 11 किलोवाट की पीक आउटपुट देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, वही जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है 236 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, और बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये फुल चार्ज करने पे 128 किलोमीटर तक की आपको रेंज दे सकता है, और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है अपनी पावरफुल मोटर के साथ सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर में 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में चल सकता है। फिलहाल अभी तक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत के लिए कंपनी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिए, लेकिन खबरों के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है भारत में आने के बाद जो यहाँ के इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है उनको काफ़ी तगड़ा झटका देने वाली है, जैसे कि हीरो, टीवीएस, एथर जैसे मैंने बताया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ आपको, ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी जो मोटर है वो IP67 रेटेड होगी, मतलब डस्ट और वाटर प्रूफ, और इसकी जो टॉप स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर पर आज तक की होगी, और ये 0 से 48 की स्पीड ले लेगा 2.5 सेकंड के अंदर में। और अगर इसको मैं कंपेयर करूँ पेट्रोल स्कूटर से तो इसका जो पावर होगा आप लोग मान सकते हो 125 cc के बराबर होगा। अगर मैं इसके डिज़ाइन और फीचर की बात करूँ तो ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है एक मॉडल और स्टाइलिश लुकिंग डिज़ाइन के साथ आएगा, जो कि इसको यूथ को काफ़ी पसंदीदा बनाएगा। दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपटीशन में ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी शानदार लगता है, इसके अंदर डिस्क ब्रेक, डुअल सस्पेंशन, LED हेडलाइट, टर्न सिग्नल, साइड स्टैंड के साथ साथ कई एडवांस फीचर देखने को मिल सकते हैं। बाकी लॉन्च डेट को लेकर अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मीडिया के अंदर, लेकिन फिर भी लोग उम्मीद करें कि जल्दी लॉन्च होगा। और स्कूटर की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है वो एक्सपेक्टेड है 1 लाख के ऊपर ही हो सकती है। तो अब ये तो देखने लगी बात है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा कब आएगी, क्योंकि अभी तक तो फिलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन आई है, और ये कब तक लॉन्च करेगी एक्सपेक्टेड मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दी है और प्राइस बता दी है कि इसके अंदर में आएगी। तो अब आप लोग उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी सेल होगी या नहीं होगी, होगी भी या नहीं होगी, वो तरीका है, होगी भी या नहीं होगी, लोग लेंगे भी नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिया में लोग ऐसे जल्दी भरोसा नहीं कर पाते किसी की भी चीज़ों को लेके, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साल मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि एक यूट्यूबर लोगों को जोड़ने के लिए बहुत साल तो मेहनत करता है, बहुत शूट करता है, ये करता है, जगह जगह जाके लोगों से मिलता है, बात करता है, वैसे ही इनका भी हिसाब है, इनको बहुत अपने ट्रस्ट बिल्ड करना पड़े तब तो जाके लोग इसको लेंगे, स्टार्टिंग में भले ही ले लें कुछ सेल हो जाए, मगर ये कि लंबे समय लंबी रंग पे नहीं हो पाएगा। तो
तो खैर आपसे यदि आगे वाला वक्त बताया कि लोग लेते हैं नहीं लेते, वैसे मैंने देखे तो थे कुछ, देखे थे हाँ वैसे हाँ कुछ मिल जाते हैं, मगर यह है कि बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं हो पाते। बाकी आपको मेरे चैनल पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसके तो डेफिनेटली आपको श्योर है। बाकी अगर आपका मन को डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम को पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि उस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दो, तो ही मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ताकि आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर में, एक वीडियो फॉर्मेट के अंदर में, ताकि आप लोग जमन कर देख सको और चाहो तो शेयर भी कर सको। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी मीटिंग लगे तो आपको पता ही करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तुम बाय, टेक केयर।